है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी में। हम लोग बना रहे हैं सरस्वती माता का मुकुट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें से देखो डिटेलिंग क्या क्या है। पहला सा बहुत सिंपल सा पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज करूँ, मुझे अगर यहाँ पे एक इमेज है इस इमेज के साथ अगर मैं देखूँ मेरे पास अगर बेसिक शेप है तो पहले मैं बेसिक्स आपको टिप्स बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे सिंपल सा पार्ट स्पेयर ले लिया, मैंने स्पेयर लिया ठीक है, एंड टी प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखो अब इसमें से बेसिक जो शेप्स है उसको मैं ब्रश बना लूँगा। बेसिक शेप का ब्रशेज कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसके ब्रशेज बनाऊँ तो कैसे बना सकता हूँ, इसके ब्रशेज बनाऊँ तो कैसे बना सकता हूँ, एक ही का पैटर्न का ब्रशेज बना लो। यहाँ पे हम लोगे एक पॉलीगन 3D ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो फिलहाल मैं कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट क्लिप रेक्टेंगल, यहाँ से मैंने इतना पार्ट मैंने कटिंग कर लिया। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये पार्ट मुझे ऐसा नजर आया, इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिसको शेप कैसा ऊपर से मोटा नीचे से बदला, तो मैंने स्केल करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। याद रखना स्केलिंग करना है यहाँ पे ठीक है। स्केल किया यहाँ पे मैं, यहाँ पे अगर स्केल करने के बाद मैं चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं ठीक है। तो व्हाट वी वांट यहाँ से, अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं बैलेंस करने वाला हूँ, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, शेप है मेरे पास यहाँ पे होता है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में गया, डिफॉर्मेशन में यहाँ पर ऑप्शन होता है देखो, यहाँ पे होता है टेपर, टेपर ठीक है, टेपर आप कर सकते हो। टेपर कैसे आ रहा है ये देख रहे, एक एंगल मिल रहा है मुझे, एक एंगल से मैं ऐसे दे सकता हूँ, देखो अपने आप ही शेप फॉर्म में आ गया ठीक है। अभी इस शेप के साथ मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए कर दिया मैंने यहाँ पे और देन मैं इसके लिए यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ हल्का सा मैंने इस शेप्स को, तो मेरे से बेसिक शेप मेरे पास निकल के आ रहा है। बेसिक शेप में यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने शेप लिया, इसको मैंने एक और भी काम कर दिया ठीक है, इसी का पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाट वी वॉन्ट हम लोग यहाँ पे क्या डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पे ठीक है। साथ में गए यहाँ पे स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास बेसिक शेप बन गया आ गया। एक इतना ही शेप हमें बना के रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, मुझे अगर यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप्स के साथ मुझे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेलिंग दे के भी मैनेज कर सकता हूँ। देखो ये ऊपर ये मणि जैसे या वो एक पार्ट निकला हुआ है, तो मैंने ये पार्ट ऐसा रख लिया ठीक है। अभी यहाँ से क्या करूँगा, मर्ज कर दे, मर्ज विजुअल ऊपर से जाके मर्ज करना, मर्ज डाउन ठीक है ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं सिंपल सा ड्रॉ पे गए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्लिक कर दिया यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट इंसर्ट मैश ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने न्यू कर दिया ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, एक मेरे पास मैस ये आ गया। दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे मेरे पास मैस कैसा है, जैसे एक शेप मेरे पास ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ठीक है। अभी शेप अगर ऐसा नज़र आया तो मैं शेप्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं देखो एक पार्ट मैंने ये बना दिया, इसी पार्ट को अगर देखें दूसरे तरीके से देखें, ये चीज़ है ना मेरे पास यहाँ पे, तो पहले अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे पास देखो एक शेप मेरे पास ऐसा हॉल वाला पार्ट भी नज़र आ रहा है। तो अभी ये शेप्स देखोगे या ये शेप देखोगे, शेप कैसे निकल के आ रहा है, ये ऐसा एक पार्ट निकल के आ रहा है। आप इसको बीच में देखोगे तो इसको मैं अलग से अगर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ब्रशेज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ब्रशेज सेट करने के बाद मैं अलग अलग चीज़ों को मैं बनाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, मैंने स्पेयर लिया यहाँ पे ठीक है। अभी स्पेयर लेके यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक ही पैटर्न लिया, मैंने फिर से यहाँ पे गए, ये साइड में गए ठीक है, मेक पॉलीमर 3D है ही ठीक। यहाँ पे मैं इस ब्रशेज को देखूँ, ब्रशेज मेरे पास यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये ध्यान देने के, जो ब्रशेज मैं अगर ले रहा हूँ तो मैं इंसर्ट मैस यहाँ पे देखना पे ठीक है। अब यहाँ से मैं गया और यहाँ पे मैं गया ट्रांसफॉर्म ठीक है, एक्टिव सिमेट्री, एक्टिव सिमेट्री में जाकर यहाँ पे यहाँ देखो ठीक, मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे मैंने मैनेज कर लूँगा, मैं ऐसे काम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने का तरीका मुझे पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म में गए यहाँ पे मैंने, अब मेरे पास काउंटिंग है, काउंटिंग कर लो जैसे यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखो अभी जैसे यहाँ पे कितना है, छोटा सा पार्ट है। अभी देखो बेसिक शेप अगर मैं बताऊँ, मेरे पास बेसिक ऊपर की तरफ सीधे गया है, ये नीचे की तरफ ऐसा है, तो अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा पॉइंटेड जैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज कर दूँ, जैसे टेपर मैंने मेक पॉल स्ट्रीम कर रखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या टेपर, टेपर देखो टेपर कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ठीक है। तो मैं अगर ऐसे ना करके लाइक बीच में से मैं थोड़ा सा लाइन ही ड्रॉ कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट आएगा यहाँ पे देखो। तो ट्रांसफॉर्म में गए, इसको मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे ठीक है, गॉट इट ये ठीक। यहाँ से मैंने अभी जैसे मैंने ब्रशेज बनाया, तो ब्रशेज के साथ मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, वैसे ब्रशेज अलग अलग से यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल UI पे गए, स्टैंडर्ड पे गए, और मैंने यहाँ से ये पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मुझे ऐसे दिख रहा है। अभी मुझे अगर अंदर करना है तो मैं अंदर भी कर सकता हूँ, देखो गॉट इट ठीक। यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पे शेप में बस यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूँगा, Ctrl T कर दिया, Ctrl D डिवीज़न, और मैं यहाँ पे अगर काम करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक और Ctrl D डिवीज़न कर दिया मैंने यहाँ पे,
ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म में जाके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये मैंने थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 16। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो व्हाट वी वांट यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ये मैं पार्ट ऐसे करके भी, जैसे शेप्स है ना, आप ऐसे कर्व करके भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे करके आप मैनेज कर दो तो आपको यहाँ पे काम इजी हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे जैसे ना कंट्रोल और कंट्रोल जेड, यहाँ पे कंट्रोल प्लस, ये देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। मैं तो ऐसा सेटअप मैंने जो कर रखा है, मैं स्पेस पर, क्योंकि मेरे घर वाले सिस्टम पर ऑफिस सिस्टम दोनों में अलग है, देखो ठीक है, मैं बताऊँ सा नेगेटिव यहाँ पे लेके चलूँगा, तो ये नेगेटिव किया मैंने, यहाँ से पॉजिटिव कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये आपके पास यहाँ पे नॉर्मली ठीक है, ये मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि बस ये दिखे यहाँ पे, गॉट इट। ये आप यहाँ से काम करो, तो आपके यहाँ पे स्विफ्ट है, कंट्रोल जेड, ये देखें, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे किया स्विफ्ट एंड स्मूथ, मैं थोड़ा सा इसे स्मूथ एंड ब्लेंड के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे नज़र आएगा, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो यहाँ पे ये पार्ट आपको देखना है, यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा घिंचना हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा घिंच के मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे ठीक है, ये घिंचने के लिए यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, ये बस पार्ट ये इसके अंदर भी घिंचेगा, देखो गॉट इट। तो स्मूथ एंड बढ़िया से दिखना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे उस चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले मैंने ब्रशेज बनाया, वो ब्रशेज देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने ब्रशेज बनाया, तो अगर मैं यहाँ पे देखो मैंने क्या आई ठीक है, तो यहाँ पे बस देखो वो ब्रशेज यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब ब्रशेज यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे न्यू पे ऐड ऑन कर देते हैं, नीचे दिख रहा है इंसर्ट मैस। अभी इंसर्ट मैस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे भी नंबर देखूंगा, यहाँ पे गया इसका मैंने कर दिया डुप्लीकेट अगर मुझे हिस्ट्री चाहिए तो ठीक है, एक को मैंने कर दिया ऑफ ठीक है, दूसरे को मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ज्योमेट्री में गया, ज्योमेट्री में डिलीट लोअर कर दिया ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे जब चीज़ों को बनाते हो यहाँ पे शेप में पास ऐसा आ रहा है, अब आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके बना सकते हो आप यहाँ पे, अगर चीज़ों को दिखाना चाहो तो, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये जो पैटर्न है उस पैटर्न के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे देखो ठीक है, कितना पैटर्न मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो अभी आप देखो ये जो चीज़ें हैं, ये पार्ट मैंने ऐसे किया, मूव पे गए, मूव पे जाने बाद ये पार्ट अपने अंदर में कर देना अपने यहाँ पे, गॉट इट। तो इसके शेप्स आपके पास यहाँ पे शेप प्रेस कर दिया अपने यहाँ पे, इसके शेप्स आपके पास सही आएंगे, जो डेप्थ है ना देखो यहाँ पे, वो डेप्थ वाला पार्ट आपके पास बढ़िया निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे और ऐसे करके मैनेज करके देखो ना पे, तो ये बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। अब ये जो छोटे छोटे शेप्स हैं, इन शेप्स का अगर आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दे सकते हो अपने यहाँ पे। ड्रॉ पे गए, यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपल सा पार्ट मैं यहाँ पे गया एंड देन ये लिया मैंने स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे गए ठीक है। तो स्टैंडर्ड पे जाके मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ यहाँ पे दिखना पे, ये काइंड ऑफ मैं यहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं चाहूँ तो इसको अलग भी कर सकता हूँ ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये किया ना, तो शिफ्ट एफ प्रेस करो यहाँ पे देखो सब ग्रुप में होगा, तो आप यहाँ पे ग्रुप स्प्लिट कर लोगे तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाए। सब टूल पे गए एंड देन आपने यहाँ पे क्या करते हैं, अलग रखना चाहो तो अलग भी रख सकते हो ग्रुप स्प्लिट ठीक है। तो ग्रुप स्प्लिट मैंने किया तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, वापस मैं इस पर आ गया। अभी मैंने इसकी हिस्ट्री डिलीट करके, आप वापस इसको लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री नहीं है ठीक है। तो अगर कोई जैसा ड्रॉ करने वाला हो तो आपको यहाँ पे मैनेज करना है, सो मैंने कर दिया डिलीट ओके, ऊपर बस बैकअप मेरे पास है, गॉट इट। इसके अंदर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे देख सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फिर से मैं गया ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो व्हाट वी वांट, हम लोग गया ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे गया किधर डिटेल से मेटी, यहाँ पर नंबर बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से मैं चीज़ों को साइज़ को डो साइज़ पे गया, देन यहाँ देखो स्विफ्ट एफ ठीक है, आपके यहाँ सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये पार्ट में बस यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप इसमें से भी चीज़ों को बनाना चाहो तो आपके पास अलग से भी निकल के आएंगे क्या। तो आप चीज़ों को ऐसे बनाओगे तो भी देखो यहाँ पे आपके पास कनेक्टिविटी दिखेंगी, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके बनाओ तो बहुत बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे ठीक है। ये देखो ये पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे बस पतला है तो मैंने इसे साइज ड्रॉ साइज़ मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे ठीक है। देखना ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे ये ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। आप ऐसे करके मैनेज करके देखो तो देखने में भी अच्छा लगेगा और काम करने में भी अच्छा लगेगा यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं गया सिंपल मूव पे गए, मूव पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ये काइंड ऑफ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंटेड मैंने कर दिया यहाँ पे, ध्यान से करना ना देखो यहाँ पे, और देखने में ठीक लगेगा ओके। तो अभी देखो यहाँ पे सेव बन के आ रहा है, तो ऐसे सेव करके आप चीज़ों को मैनेज करके बना सकते हो। ये ऊपर का पैटर्न है, ऊपर का पैटर्न आप ब्रशेज बना लो, जैसे अगर मैं आप देखो ये एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, इस पैटर्न के साथ मैं चीज़ों को और अलग तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। ये जितने भी पैटर्न है सब पैटर्न आप ऐसे ही चीज़ों को कवर अप करके दे सकते हो।